माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें एक ओर जहां कक्षा 10वीं का मध्य प्रदेश का परिणाम 58.10% रहा, जिसमें नरसिंहपुर जिले का परीक्षा परिणाम 80.51% है, वहीं हायर सेकेंडरी 12वीं का प्रदेश का परिणाम 64.48% रहा, जिसमें नरसिंहपुर जिले का 81.53% है। कलेक्टर शीतला ने पटले अच्छे परिणाम के लिए जिले के छात्र छात्राओं और शिक्षा विभाग की टीम को शुभकामनाएं दी। ये तो आप सबके लिए, आप सबके साथ में मेरे लिए भी गौरव की बात है कि नरसिंहपुर के हमारे छात्रों ने, हमारे नरसिंहपुर के शिक्षकों ने, हमारे नरसिंहपुर के सभी संस्थाओं के प्राचार्यों ने योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कराई बच्चों को, और ये दिन आज हमें जो सफलता का देखने को मिला है उनकी मेहनत का परिणाम है। हमारी कलेक्टर मैडम, सीओ साहब, उनकी मार्गदर्शन, हर हफ्ते हम टेस्ट लेते हैं विषय वाइज, और टेस्ट में हम काफ़ी जतवा करके उनके हम गूगल शीट के माध्यम से यहाँ मंगाते हैं, उसकी फिर हम समीक्षा करते हैं किस बच्चे को किस विषय में कम मिले, फिर उनके टीचर्स को यहाँ से वापस करते थे कि इसमें आप ये जितने बच्चे आपके कमजोर हैं कि अलग से क्लास लगाइए, क्लास के साथ साथ ही घर में कब कितना पढ़ते हैं उसका पता लगाइए। टीचर्स को हमने बच्चे अलर्ट कर दिए थे कि आप सुबह बच्चों को फ़ोन लगाएं कि आप शाम को बच्चों को फ़ोन लगाएंगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितने बजे सो के उठ रहे हैं, ये घर घर के उनकी पढ़ाई के अलग से टाइम टेबल बनवाएं। और हमारे पास में विभिन्न प्रकार के जो पिछले वर्षों के पेपर थे उनको हमने साल में कराए, और बोर्ड के माध्यम से भी हमारे पास में सैंपल क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, उन सबको हमने चार चार सेट आए सभी को हल कराया। हमारे यहाँ के जो नरसिंहपुर के विद्वान टीचर हैं उनसे भी हमने अलग से सेट बनवाए, और सारे मतलब विद्यालयों में उनको एजुकेशन कराया।